वेलकम इन डिज़ाइन कट्टा। आज की वीडियो में हम देखने वाले जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल नंबर 6। तो चलिए चलते हैं कटिया में। सबसे पहले हम जाएंगे जनरेटिव शीट मेटल डिज़ाइन। क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल नंबर 6 है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ ट्यूटोरियल नंबर 6। इसके बाद में मैं इसका पैरामीटर सेट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ओके। पिछली वीडियो में हमने देखा था सरफेसिक हॉपर, कोनी हॉपर, और आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्री फ्रॉम सरफेस। तो चलिए चलते हैं। मैं इसे सिंपली क्लिक करता हूँ। उसके बाद में ऐसा विंडो हमारे सामने ओपन होता है। पहले तो हमें ये जानना होगा कि फ्री फॉर्म सरफेस होता क्या है। जैसे कि हमने देखा था रिकग्नाइज, जो कुछ भी हमने पार्ट डिज़ाइन में बनाया था वो शीट मेटल में उसे इंपोर्ट किया था। सेम उसी तरह से हमें सरफेस में जो कुछ भी हमने बनाया है उसे शीट मेटल में इंपोर्ट करके उस पर जो कुछ भी कमांड है उसे हमें यूज़ करना है। इसका मतलब हमें सबसे पहले जनरेटिव शेप डिज़ाइन में कुछ शेप बनाना होगा। तो हम हमें स्लाइडिंग नॉच बनाएंगे और फिर उसे शीट मेटल में इंपोर्ट करेंगे। पहले सर्कल लेता हूँ।
अब मैं इसे स्प्लिट करता हूँ इसे इसके साथ स्प्लिट, फिर से स्प्लिट करता हूँ और अब मैं फिर से इसे ज्वाइन करता हूँ। उसे ओके करता हूँ। वो ज्वाइन हो चुका है। अब मैं जाता हूँ शीट मेटल। और अब मैं इसे फ्री फ्रॉम सरफेस करता हूँ और फिर मुझे पूछता है सिलेक्शन, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और अब मैं इसे करता हूँ फोल्ड अनफोल्ड। कुछ इस तरह से हमारा जो है फ्री फ्रॉम सरफेस ये कमांड कंप्लीट हो चुका है। मैं इसे भी ऐड करता हूँ। अगर हमें इसे डायरेक्ट एडिट करना है तो इसे डबल क्लिक करना है, यस, देन यहाँ से हमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है रेफरेंस वायर, मैं यहाँ से रेफरेंस वायर को चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से इनवेरिएंट पॉइंट को चेंज कर सकता हूँ। मोर में जाकर यहाँ पे के फैक्टर है, मैं इसे एडिट नहीं कर सकता। और टीयर वायर्स जो है मैं यहाँ से उसे चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से हमारा फ्री फ्रॉम सरफेस जो कमांड है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।